नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन किल। सांसद का रिपोर्ट कार्ड में आज हम उस इकलौते कांग्रेसी सांसद का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को कांग्रेस के किले में सेंध लगाने से रोका और विपरीत परिस्थिति में जीत की हैट्रिक लगाकर संसद पहुंचे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा की। तो आइए दीपेंद्र हुड्डा के एक साल के रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अपना एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। आइए देखते हैं इस एक साल में दीपेंद्र हुड्डा की क्या कारगुजारी रही है। यह है रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जिन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव विपरीत परिस्थितियों में जीता। 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश के अंदर 9 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2014 में सिर्फ एक सीट पर ही सिमट कर रह गई और वो सीट थी रोहतक की, जहां पर बीजेपी मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस के इस गढ़ में सेंध लगाने में नाकामयाब रही। दीपेंद्र हुड्डा ने संसद के अंदर कुल 12 सवाल पूछे जिनमें स्टैंडर्ड ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोडक्ट्स, सरकारी विज्ञापन, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, क्रेडिट लिमिट ऑफ केसीसी और रेल लाइन प्रोजेक्ट शामिल हैं। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि जब किसानों की चर्चा देश की संसद में हुई तो उस चर्चा की शुरुआत करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने उसे शुरुआत मैंने करी, तो मुझे इस बात की संतुष्टि है। मगर इस बात की संतुष्टि नहीं है कि उस चर्चा का जवाब कोई अच्छा सरकार से ऐसा मिलाओ, संतुष्टिपूर्ण मिलाओ। बात तो उठा पाए मगर किसानों की बात जब उठाई तो उसका संतुष्टिपूर्ण जवाब मिला हो, मैं इस बात को मैं समझता हूँ कि उस तरीके का जवाब नहीं मिल पाया। उसके बाद मैंने एक्स सर्विसमैन की बात बारी बारी उठाई, वन रैंक वन पेंशन, मैंने 2-3 बार ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, वन रैंक वन वन पेंशन पे कार्य स्थगन प्रस्ताव भी एक बार वन रैंक वन पेंशन पे मैंने दिया लोकसभा के अंदर। इसके अलावा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद के अंदर 20 डिबेट में हिस्सा लिया जिनमें रेल बजट, आपदा की स्थिति में किसानों को मिलने वाले मुआवजे की राशि, सोनीपत के गोहाना में रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करने के लिए फंड का आवंटन, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास बिल शामिल हैं। रोहतक संसदीय क्षेत्र की जनता आज विकास को लेकर अपने इस सांसद से थोड़ी मायूस है। फोकस हरियाणा के लिए रोहतक से अनुज नरवाल। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह है कि रोहतक की जनता अपने इस सांसद से नाराज है। रोहतक संसदीय क्षेत्र के अंदर पिछले एक साल के दौरान विकास कार्यों में पहली बार विकास की गति को ब्रेक लगा है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो दीपेंद्र हुड्डा पिछली सरकार के दौरान लेकर आए थे उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। वो चाहे बात रोहतक महम हांसी रेल लाइन की हो या फिर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की, और यही विकास का ना हो पाना यहाँ के लोगों के लिए एक मलाल है। हालांकि लोग ये मानते हैं कि केंद्र और प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, ऐसे में इस तरह की अनदेखी रोहतक में 10 साल में पहली बार हो रही है। जी बताएं, तो बीजेपी सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे अब उनकी, उनके कामों से कितना संतुष्ट है, क्या काम किए उन्होंने? तो मतलब जीरो काम किए, कुछ भी नहीं करे। मतलब जो पहले काम हो रहे थे, बिजली आ कर दी, बिजली नहीं, पानी नहीं, हाहाकार मच रही है सारे, रात में मच्छर कहाँ हैं, बिजली नहीं आंदी जमा, सड़क बुरा हाल हो गया। अच्छा मुआवजा की जगह वो सपरसी सपरसी मुआवजा मिल गया एक होड़े का और किसी ने नहीं मिला, ये 10-20 घर मुआवजा मिल गया जिसकी सिफारिश। मतलब लोग संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है, जमा नाश कर दिया इसने। ईश्वर जी बताएं, बीजेपी सरकार का एक साल जो कार्यकाल पूरा हुआ है, क्या काम किए हैं बीजेपी सरकार ने, क्या वादे किए थे चुनाव के टाइम पर, कितना संतुष्ट है उनकी? वादे तो क्या रखी के कर रहे, पर करा देने कुछ नहीं, वादे आते क्या काम नहीं हुए, क्या कुछ भी ना होया, लाइट आती ना, पानी मिलता ना, मौजे बिट्टे ना, कम लड़ा। सुरेंद्र कुमार जी, बीजेपी सरकार का एक साल पूरा हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, कितना क्या उन्होंने वायदे किए थे, कितना संतुष्ट हैं, कितना क्या कहना चाहिए? वायदे तो बहुत कुछ किए थे उन्होंने लेकिन कोई कार्य पूरा नहीं किया है।
क्योंकि अभी तक न तो किसी को रोजगार दिया है, न ही रोजगार की कोई संभावना है। जबकि सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि केंद्र सरकार उनके साथ काम में भेदभाव कर रही है, जिसकी वजह से आज वो रोहतक में उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं करवा पा रहे। जो सरकार से यही पूछना चाहता हूँ, बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मंजूर हैं, जिनका सारा का सारा बजट आ चुका है, कम से कम उन प्रोजेक्ट्स को अविलंब पूरा किया जाए, ऐसी मेरी मांग सरकार से है। क्यों ये भेदभाव का एक भेदभाव की दृष्टिकोण से सरकार चल रही है कि एक साल हो गया, बहुत और भी बहुत प्रोजेक्ट है प्रदेश स्तर के, हमारे रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत के अंदर पूरे हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हमें ऐसा लगता है कि जो है कभी कोई काम इस एक साल में जितनी उम्मीद थी विकास कार्य जिस उम्मीदों से लोगों ने सरकार को बनाया था, मैं समझता हूँ पिछले एक साल में उस प्रकार की बात मेरे लोकसभा क्षेत्र में लेके मेरे को कुछ ना कुछ निराशा हुई। बहरहाल एक साल का वक्त एक सांसद के कामकाज के लिए बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद अपने इस सांसद से रोहतक की जनता को काफी उम्मीदें हैं। अब देखना यह है कि अगले चार साल में दीपेंद्र रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए क्या खास करते हैं। फोकस हरियाणा के लिए रोहतक से अनुज नरवाल की रिपोर्ट। अब दिखाते हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जिस गांव को आदर्श ग्राम के तहत गोद लिया है उसका सूरत हाल क्या है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आदर्श गांव इस्लामगढ़ भी कहा जाता है, जो झज्जर जिले का हिस्सा है। इस गांव को सांसद महोदय ने नवंबर 2014 में इसलिए आदर्श बनाने का बीड़ा उठाया क्योंकि रोहतक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव में से इस गाँव में महिलाओं की आबादी सबसे ज्यादा है। इस्लामगढ़ गाँव की मूलभूत समस्या बिजली और पानी है। सांसद महोदय को इस गांव को गोद लिए हुए करीब 6 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन इस गांव में विकास का एक भी काम धरातल पर नहीं दिख रहा है। बिजली पानी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। अब कह रहे हैं कि बिजली का जो पावर हाउस बनेगा उसके बाद चलेगी, अब देखते हैं वो बन जाएगा, उसके बाद देखेंगे कैसे क्या चल रहे हैं। जो सुविधा मिल रही है उससे संतुष्ट हो या नहीं? ये संतुष्ट तो एक आम आदमी संतुष्ट हो है, कर भी कैसे कहे, कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो उसके मामले में क्या कर सके। कोई सुविधा अभी तक तो मिली नहीं गांव ने, फोटू फोटू उतरे 6 महीने हो लिए, रोड है यो भी नहीं चल रहा, रोड का काम है ये भी नहीं हो रहा है, काम तो कोई चल नहीं रहा है, ना बिजली का हुआ अभी तक कोई समाधान। देखो ये खम्भे नुए खड़े हैं, इनका भी नुए काम, मतलब गोद लेने के बाद में कुछ नहीं हुआ चुचवास के अंदर। अधिकारी केयर करो, कोई केयर नहीं करे, आते हैं चले जाते हैं, हमें तो पता लगता नहीं कब आते हैं कब जाते हैं। इस बात को जब हमने सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सामने उठाया तो उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पर ही सवाल खड़े कर दिए। सांसद महोदय का कहना है कि चुने हुए प्रतिनिधि पूरे लोकसभा क्षेत्र का सांसद होता है, जिनकी नजर में सभी गांव समान हैं। ऐसे में कोई सांसद सिर्फ एक गांव को गोद लेकर उसे विशेष सुविधा मुहैया करवाए, ये सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर गांव में मिलनी चाहिए। मैंने पहले भी स्कीम के लेके यही बात की है कि केवल एक गाँव के का एमपी नहीं होता। आप पूछ लो, मैं सारे गाँव का एमपी हूँ, सभी ने मेरा साथ दिया, मैं कैसे एक गाँव को ले सकता हूँ, मगर सारे गांव में वो सुविधा मिलनी चाहिए। कोई एक गांव क्या ये सरकार केवल 500 गांव ने बनाई है, सेंटर की जो सरकार है सभी गांव ने बनाई है, तो ना तो उस गांव में मिली ना किसी और गांव में मिली। कोई एडिशनल सुविधा बताओ आप, बिजली जो बात थी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, तो लोग अपने आप को निराश एक साल सरकार के होने के बाद लोग। बहरहाल सांसद दीपेंद्र हुड्डा के इस गाँव को अभी आदर्श बनाने में काफी वक्त लगेगा। अब देखना है कि कब तक सांसद महोदय इस गांव को आदर्श बनाते हैं और इसकी मूलभूत समस्याओं को पूरा करते हैं। फोकस हरियाणा के लिए झज्जर के इस्लामगढ़ गांव से प्रवीण खुराना की रिपोर्ट। अपने एक साल के कामकाज को लेकर खुद दीपेंद्र हुड्डा का क्या कहना है, इस बारे में उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अनुज नरवाल ने। केंद्र की सरकार बनने के बाद एक साल होने को है और इस साल यानी कि एक साल के बीच में क्या क्या काम हुए। रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछेंगे। एक साल बीत गया है, डेवलपमेंट के तौर पर आप देखते हैं, दृष्टिकोण से देखते हैं, तो रोहतक की अगर बात करते हैं, रोहतक लोकसभा क्षेत्र की, तो किस तरह की डेवलपमेंट देखते हैं? देखिए, इस साल बीतने में फिलहाल तो जो पुराने जो प्रोजेक्ट्स मंजूरशुदा प्रोजेक्ट्स हैं जिनका बजट आ चुका है, उनमें भी मैं समझता हूँ कि इस एक साल में मेरे को निराशा हुई है कि कहीं ना कहीं भेदभाव का नज़रिया के दृष्टिकोण मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मंजूर हो चुके हैं, जिनका पैसा आ चुका है और जिन पे काम
पिछले जैसे ही सरकार बदली एक साल पहले तो काम रुक गया। मैं उदाहरण के तौर पे कहूँगा, चाहे वो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो बाढ़सा के अंदर एम्स का जो प्रोजेक्ट तकरीबन 2000 करोड़ से तकरीबन 1700 बेड का 1750 बेड का जो अस्पताल बनना था उस पर उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हुआ आज तक। इसी प्रकार से रोहतक महम हासी रेल की लाइन जिसके लिए तकरीबन 125 करोड़ रुपया उस रेल की लाइन के नाम से खाते में जा चुका है, तो उस पर इंटरेस्ट ले रही है सरकार, मगर आज तक उस रेल की लाइन का काम शुरू नहीं हुआ। इसी प्रकार से जो हमारा आउटर रिंग रोड है बाईपोस जिसको जो है बहुत मन लगा के जिसकी मैंने प्लानिंग करी थी, डिज़ाइन किया था, जो एक बाईपास चारों दिशाओं से बाईपास रोहतक का एक का काम करने जा रहा है, तो वो जितना हमने बनवा दिया था हमने तकरीबन 80% के करीब पूरा बन गया था। मगर जब हम हिसार रोड से गोहाना रोड जाते हैं, हिसार से गोहाना रोड तक ये एक उसका पोर्शन बचा हुआ था। गोहाना रोड से बाईपास आप देखो अपना झज्जर रोड तक पूरा, और इस तरीके से दिल्ली रोड से बाईपास बड़ी बहू तक हिसार रोड तक ये सारा पूरा हो गया था तकरीबन। तो ये जो 10-20% बचा हुआ था वो हिस्सा, उस पर कोई काम आज तक शुरू नहीं है। तो अपना गेहूं की बात थी चाहे, तो जितने ये एक निराशा हुई किसानों को, चाहे बाजरे की बात थी चाहे पॉपुलर की खेती की बात थी, तो ये इन बातों को लेके किसानों की बात नंबर एक। नंबर दो, यूरिया की दिक्कत आई किसानों को, जब बुआई का सीज़न आया गेहूं का, जब धान के भाव पिटे तो उस समय किसान ने अपना जो है आशा किसान को गेहूं की फसल से होगी, और किसान की जब बुआई का टाइम आया तो बिजली की बड़ी भारी दिक्कत आई, बड़ी भारी समस्या आई बिजली पानी का, और उसके साथ साथ यूरिया में किसान को बहुत दिक्कत हुई इस बार। और इस बात को लेके ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी लाई। सर एक जो तो आज आपने देखा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का एक साल का रिपोर्ट कार्ड, कल फिर मिलेंगे एक नए सांसद के रिपोर्ट कार्ड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।